अब बात मीडिया की, कोई पत्रकार अपने कॉलम के नाम से जाना जाने लगे यह उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। पत्रकार खान आशु के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लोग अब उन्हें उनके कॉलम चक्कर घिन्नी के नाम से ही जानते हैं। खान आशु का चक्कर घिन्नी अब जल्द एक किताब की शक्ल लेने जा रहा है। पहले बात करते हैं खान आशु की। इंदौर के कुछ सांधकालीन अखबारों से पत्रकारिता शुरू करने वाले खान आशु भोपाल में दैनिक जागरण, स्वदेश, सांध प्रकाश, राज एक्सप्रेस, नव दुनिया, प्रदेश टुडे, दबंग दुनिया समेत कई अखबारों में काम कर चुके हैं। खान आशु कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पोर्टल के लिए फ्री लॉन्चिंग कर रहे हैं। खान आशु का मानना है अखबारों और चैनलों की बंदिश में अक्सर ऐसे हालात भी आते हैं जब सच्चाई का दम घुटा हुआ सा महसूस होने लगता है। मीडिया की इन्हीं मजबूरी भरी पाबंदियों ने खान आशु के कॉलम चक्कर घिन्नी को जन्म दिया। अब बात चक्कर घिन्नी की। इसकी उम्र 7 बरस से ज़्यादा हो चुकी है। चक्कर घिन्नी ने खुद में वह समाया जो मजबूरियों के कारण मीडिया में जगह नहीं पा सका। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस दैनिक कॉलम में हर तबके की बात होती है। अब चक्कर घिन्नी के 2555 कॉलम एक किताब की शक्ल में जल्दी नजर आने वाले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए आशु की किताब चक्कर घिन्नी पाठकों को विभिन्न विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करेगी और खान आशु लोगों को चक्कर घिन्नी करने का काम जारी रखेंगे। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।